मेरा नाम तमन्ना है और मैं खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकी में हूँ और मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ की हालत दिन ब दिन बहुत गंभीर होती जा रही है। तो मेरी यही विनती है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कि जल्द से जल्द हमें इंडिया लेके आए, कुछ इवैक्यूएट करने का सही से सही प्लान बनाए ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर आ सकें। हम दोनों खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकी से हैं। फिलहाल हम बेसमेंट्स के जो बंकर में हैं यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, जो कि इस शहर के जो आउटस्कर्ट्स के एरिया है वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही है। फिलहाल यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल आप सब देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे बंकर में शिफ्ट किया गया है। तो ये जो भी है राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार जितना जल्दी इस पर कुछ फैसला लेगी उतना जल्दी अच्छा होगा बच्चों के। जैसे कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा एक कुछ ठोस कदम लिया जाना चाहिए, वो इंडियन एम्बेसी नहीं ले रही है। कुछ बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी लीव कर चुके हैं खारकी को कीव के लिए, वो स्टक हो गए हैं कीव एयरपोर्ट पे, बट उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। वो फ़ोन कर रहे हैं एम्बेसीज को, एम्बेसीज के नंबर नहीं मिल रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट में नहीं है उनके साथ, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वो पैनिक हो रहे हैं। और हम भी यहाँ पे खारकी रीजन में है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इवैक्यूएशन नहीं हो रही है। और जैसे कि हम लोग पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर से बहुत दूर है, 15-16 घंटे के रास्ते पे है, तो हम इंडियन एम्बेसी से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हमारी इवैक्यूएशन कैसे होगी। उन्होंने बोल दिया है कि पोलैंड के बॉर्डर से या दूसरी जो कंट्रीज हैं बाय रोड, बट आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पॉसिबल है। फिलहाल यहाँ की सिचुएशन और जो दूसरे सिटीज की सिचुएशन है यूक्रेन में वो बहुत डिफरेंट है। जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, ना कि खारकी रीजन से। वही हम ये चाहते हैं कि जिस जो रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि कीव और खारकी, वहाँ से सबसे पहले बच्चों को इवैक्यूएट करने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वहाँ का तो बाद में आता है ना, वहाँ से बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी एजेंसीज वगैरह सब कुछ हमारी हेल्प कर रही है, बट अगर जितना लेट एम्बेसी करती जाएगी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जितना लेट करेगी उतनी प्रॉब्लम, ज़्यादा पैनिक बच्चे करेंगे। और हमें बाहर से आवाज़ें आती हैं क्योंकि जो आउटस्कर्ट्स शहर के बाहर के एरिया है वहाँ पे हमें बमबारी जो भी है, फायरिंग वगैरह की कंटिन्यूसली आवाज़ें आती रहती हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू स्टे इन माइनस डिग्री टेम्परेचर्स विदाउट फूड और विदाउट वाटर, वी डोंट नो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी और हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन कि आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कीजिए और जल्दी से जल्द डिसीजन। बेसिकली खारकी वर्क की विजन के लिए हम चाहते हैं कि कुछ ठोस कदम उठाया जाए, यहाँ से बच्चों को पहले इवैक्यूएट किया जाए, ना कि जो सेफ रीजंस है उन पे बाद में ध्यान दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम तमन्ना है और मैं खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकी में हूँ और मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ की हालत दिन ब दिन बहुत गंभीर होती जा रही है। तो मेरी यही विनती है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कि जल्द से जल्द हमें इंडिया लेके आए, कुछ इवैक्यूएट करने का सही से सही प्लान बनाए ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर आ सकें।